वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करते हैं क्लास फिफ्थ में सब्जेक्ट जीके यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है नेचर एंड लाइफ, एंड चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ नेचर्स। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। सम प्लांट्स गिव अस फूड एंड रॉ मटेरियल्स एंड दे ऑल्सो हैव ग्रेट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज टू। हेयर इन दिस चैप्टर वी आर गिविंग इन्फॉर्मेशन सच दिस टाइप्स ऑफ प्लांट। लेट्स रीड अबाउट दिस प्लांट्स टू नो हाउ दे हेल्प अस इन अवर डेली लाइफ। मीन्स यूनिट फर्स्ट में जो है तो क्या दिया है, प्रकृति और प्रकृति के जीवन में जो चमत्कार होते हैं एंड सामग्री जो उसके पास है उनके महान गुण औषधीय गुण होते हैं जो। तो हम इस तरह के पौधों के बारे में जानकारी दे रहे हैं लीड वाउट योजनाओं को यह जानने के लिए कि वे कैसे ओरिडली में मदद करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर दिया है एलोवेरा। तो एलोवेरा इज बिलीव्ड टू हेल्प पीपल से स्टे यंग। इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द स्किन। द जूस ऑफ इट्स दिस प्लांट इज यूज टू मेकिंग कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग बर्न्स। एलोवेरा कंटेंस ओवर 20 मिनरल्स ऑल ऑफ विच आर इसेंटियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। एलोवेरा जो होता है तो युवाओं की मदद करने के लिए माना जाता है एंड त्वचा पर एक सकारात्मक प्रभाव। पौधे के सीम का सौंदर्य प्रसाधनों और दवाओं के उपचार के लिए किया जाता है। एलोवेरा जो है तो 20 से अधिक खनिजों पर निर्भर करता है जो मानव शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर आते हैं सुगंधा पर। तो सुगंधा इज हर्ब यूज फॉर ट्रीटिंग नर्वस डिसऑर्डर्स इंटेंसियल इन्फेक्शंस एंड लेप्रोसी। ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग द रूट्स बार्क लीव्स फ्रूट्स एंड सीड्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पोजेस। दिस हर्ब इन ग्रो इन इंडिया नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका एंड बांग्लादेश। फिर देखिए असुगंधा जो होता है तो असुगंधा एक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग तंत्रिका संबंधी विकारों आंतों के लिए क्या करते हैं संक्रमण और कुष्ठ रोग के इलाज के लिए किया जाता है। पौधों के कुछ हिस्सों जैसे जड़ों बार पत्तियों फलों और बीजों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इस जड़ी बूटी को भारत नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश सैंडलवुड में उगाया जाता है। माना जाता है कि इसमें कई औषधीय गुण हैं। इसका उपयोग आमतौर पर विभिन्न विकारों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। पीलिया के रोगियों का इलाज करता है और जलन को शांत करता है। ठीक है, एंड शांत करता है। एंड आमिया विटामिन सी जो होता है, आंवला जो होता है तो आंवला क्या करता है विटामिन सी का एक नीच स्रोत है। इसका उपयोग अति सक्रियता को कम करने के लिए एक प्राकृतिक रोचक के रूप में भी किया जाता है। यह खांसी से छुटकारा पाने में मदद करता है। फिर उसके बाद वाइल्ड टर्मेरिक। तो वाइल्ड टर्मेरिक जो होता है ये जंगली हल्दी एक औषधीय जड़ी बूटी है जिसमें विशेष एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। चीनियों के अनुसार यह माना जाता है कि कैंसर को ठीक करने के लिए। दालचीनी एक ऐसा मसाला है जिसे हम रेगिस्तान और पेस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन यह भी माना जाता है कि इसे औषधीय गुण होते हैं जो ब्रोंकाइट्स और अस्थमा के रोगियों को ठीक करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या जाना आज, एलोवेरा अश्वगंधा सैंडलवुड आंवला वाइल्ड टर्मेरिक एंड किन्नामोन के बारे में। ठीक है, फिर उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं डीप सी क्रिएचर। तो ये देखिए जैसे इसमें कुछ दिए हुए हैं डायग्राम्स जो बने हुए हैं, ये आपके समुद्र के अंदर पाए जाते हैं सारी चीज़ें। बिग रेड जेली फिश है, ये समुद्र के अंदर आपको पाई जाती है। वैम्पिक्स स्क्विड ये भी आपके समुद्र के अंदर पाया जाता है। टर्टल क्विंस कछुआ ये जो भी आपके समुद्र के अंदर, यानी मीन्स ये बहुत गहराई में डीप सी क्रिएचर मीन्स उसकी गहराई में ये रहते हैं। फिर उसके बाद स्टार फिश भी आपकी वहीं रहती है। सी हॉर्स वो भी वहीं रहता है। चिमेरिया वहीं रहता है आपका। फ्रिल्ड शार्क ऑक्टोपस जियंट आइसोपॉड एंड फैंग टूथ ये आपके सारे कहाँ पाए जाते हैं आपके समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। फिर देखिए आते हैं वाइल्ड हेरिटेज। वाइल्ड हेरिटेज मीन्स क्या है, वाइल्ड हेरिटेज में देखेंगे तो आप बहुत सारे दिए हुए हैं। मीन्स जैसे नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ
एंसेंट्रिक्स्ट एंड प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट्स डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस फ्रॉम अ IUCN टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ थ्रू कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए फिर क्या है, वाइल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संरक्षित हैं जो एक देश की सरकार द्वारा रस्मी तौर पर संरक्षित किए गए हैं, जो कि UCN के नियमों के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के माध्यम से साने फेहे वाइल्ड लाइफ के लिए है। यहाँ हम कुछ प्रसिद्ध अनौपचारिक पार्क और विट्स सेंचुअर्स लेटर्स पढ़े और लीक हुए उनके बारे में। काजीरंगा जो उसमें क्या है, फर्स्ट नंबर जो दिया है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जो कि जंगल 430, यह जंगल जो है तो 430 स्क्वायर फीट यानी वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। और यहाँ पे क्या क्या है, बाघ है, गेंडे हैं एंड चीते आदि के आदि प्रजातियों के लिए यहाँ पर घर है। फिर उसके बाद देखिए सुंदरबंस वाइल्ड सेंचुरी यहाँ है। यहाँ क्या दिया है, पश्चिम बंगाल में स्थित दो सुंदर वन अभयारण्य विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों जैसे कि तेंदुए हो गया आदि के लिए एक घर है। तीन, फिर उसके बाद देखिए थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर क्या है, सासनगिर नेशनल पार्क। सासनगिरी नेशनल पार्क जो है आपका, तो मीन्स ये है सासनगिर कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जहाँ राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के सबसे लोकप्रिय उद्यानों में से एक है। पार्क में पाए जाने वाले दुर्लभ जानवरों की प्रजातियाँ बाघ, जंगली कुत्ते, सियार ये जो होते हैं, ये राजस्थान में स्थित प्रजातियाँ होती हैं। फिर उसके बाद दिया है सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क क्या होते हैं, सरिस्का नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में स्थित हैं, जो भारत में बंगाल के बाघों की आबादी के प्रमुख देशों में से एक है। बाघ, तेंदुआ, वाइट बिल्ली, सांभर, हिरण आदि जैसी दुर्लभ प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। फिर पेरियार नदी, पेरियार नदी के किनारे क्या है, इस पेरियार नदी के किनारे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य बाघ के हाथियों जैसी दुर्लभ प्रजाति हैं, ठीक है, जहाँ फ्रूट बैट में ये सारी चीज़ें मिली जाती हैं। फिर उसके बाद हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट में क्या है, गो ग्रीन जो है, तो गो ग्रीन क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे दिखने को आपको मिल रही है, नॉन ऑर्गेनिक फूड एंड ऑर्गेनिक फूड जो है, जिसमें नॉन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फूड मीन्स क्या है, जैसे कोको कोला हो गया। गो ग्रीन मीन्स क्या है, यहाँ देख रहे हैं कोको कोला दिया है, तो कोको कोला गो ग्रीन बेकार पदार्थों में से कई पदार्थ को बेकार हो जाता है। प्रकृति भी पुनर्नवीनीकरण यानी नया अपशिष्ट पदार्थ की पुनरावृत्ति को पुनर्नवीनीकरण कहा जाता है। तो इस अध्याय को आइए जानते हैं कि वे क्या हैं। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जैसे फर्स्ट नंबर है मैगजीन, क्या है, मैगजीन है। फिर उसके बाद है अनाज के डिब्बे, बिस्किट और केक के पैकेट्स, फ़ोन और व्यापार निर्देशिकाएँ हैं, जो कार्बनिक टोड वह भोजन है जो रासायनिक से दूषित नहीं होता है या कृत्रिम रूप से उपयोग किया जाता है, एवं उर्वरक और कीटनाशक यहाँ कार्बनिक और गैर ऑर्गेनिक आयुड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ वन नंबर कीटनाशक के बीच का अंतर है। प्राकृतिक फर्टिलाइजर जो होता है एंड खाद, गैर ऑर्गेनिक खाद जो होती है, तो इसके साथ उगने वाले कीटनाशक में यूज की जाती है, एंड सिंथेटिक एंड एयर रासायनिक आयोडर जो है पाउडर है उसके साथ विकसित होता है। देन खरपतवारों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित किया जाता है, जो आपके खेतों में क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, जैसे आप कोई अनाज उगाते हैं तो उसमें क्रॉप्स यानी फसल रहती है, तो फसल में क्या होता है, कीड़े मकोड़े जो रहते हैं आपकी फसल ख़राब कर देते हैं, तो उसके लिए सारी चीज़ें दवाइयाँ जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है, रासायनिक और जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, डायनासोर्स दिया है। फिर डायनासोर्स मींस डायनासोर हम तो देखे नहीं हैं वैसे हम लोग, तो ये क्या है, डायनासोर्स जो होते हैं पहले पाए जाते थे। तो डायनासोर देखिए क्या था, डायनासोर जो होते हैं तो फाइव टाइप्स के, देखिए यहाँ पर देख रखा है आपको, दिख रहे हैं ऊपर है
फिर नीचे ईस्टर के फोर दिए हुए हैं। तो डायनासोर जो थे पृथ्वी पर लगभग 230 साल पहले जीवित थे। कब? लगभग 230 साल पहले, अभी इस समय कहीं नहीं है। 230 साल पहले अधिक जीवित थे। 300 से अधिक विभिन्न प्रकार के डायनासोर थे। कितने? 300 से अधिक विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार के डायनासोर थे। जो वस्तुतः डायनासोर सबसे बड़े जानवर हैं जो कभी पृथ्वी पर रहा करते थे। डायनासोर अब जो हैं तो विलुप्त हो चुके हैं, तो हम उन जानवरों के बारे में कुछ नहीं कह सकते जो विलुप्त हो गए हैं, लेकिन हम दूसरों को विलुप्त होने से रोकने में मदद कर सकते हैं। तो डायनासोर के प्रकार उनकी संरचना को देखकर डायनासोर के दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है छिपकली या छिलका, दूसरा एन पक्षी का शिकार कहा जाता है यानी सोरेसिया एन ऑर्निथिस्किया कहा गया है। दो पार्ट में डिवाइड इसको किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ विभिन्न डायनासोरों के चित्रों के साथ कुछ जानकारी दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पर दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है। तो इसके बारे में देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है वेलोसी रैप्टर। ये क्या होता है कि पूरी तरह से विकसित वेलोसी रैप्टर की लंबाई 2 मीटर तक बढ़ सकता है। कितने मीटर? 2 मीटर तक ये बढ़ सकता है। कूल्हे की ऊंचाई जो होती है इसके तो 0.5 मीटर यानी मीन्स कहा जाए तो 1.6 फीट, और वजन के करीबन 15 किलोमीटर तक हो सॉरी 15 किलोग्राम तक हो सकता है इसका। फिर उसके बाद यह माना जाता है कि यह पूरी तरह से विकसित सेकंड नंबर जो है तो यह पूरी तरह से विकसित होता है जब, तो इसकी लंबाई करीब 8 मीटर यानी 26 फीट, ऊंचाई में 3 मीटर यानी 10 फीट, और 6 से 12 टन के आसपास इसका वजन रहता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या दिया है, अल्लासोरस जो है तो इसकी लंबाई लगभग 8.5 मीटर यानी कहा जाए तो 28 फीट थी, और इसका वजन 2.3 टन था, ठीक है। फिर उसके बाद है इगुआनोडन का वजन लगभग 3.5 टन था और लंबाई में लगभग 10 मीटर यानी 33 फीट इसका था, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में देखिए क्या दिया है यहाँ पे, यूजफुल प्लांट्स यूजफुल जो होते हैं उसके बारे में देखिए। यहाँ पे देखेंगे तो कोकोआ ट्री दिया है, कोकोआ ट्री इज़ यूज टू गेट बीन्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग चॉकलेट्स एंड कोका पाउडर। इसका जो होता है देखिए इसके दिया है द सॉफ्ट एंड वाइट सीड्स आर ड्राइड एंड ग्राउंड टू ऑब्टेन कोका पाउडर फ्रॉम विच चॉकलेट्स आर मेड। ये जो होता है ये आपको ये देखिए जो दिख रहा है कोका ट्री, कोकोआ ट्री का मीन्स होता है चॉकलेट्स बनाने में किया जाता है इसका यूज़, किसमें? चॉकलेट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एंड इसके जो सीड्स यानी बीज होते हैं तो उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसको क्या बना देते हैं, पाउडर बनाया जाता है। फिर देखिए वनीला और सीड्स है फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम विच वनीला फ्लेवर इज ऑब्टेंड। जैसे आपने सुना होगा कि आइसक्रीम जो होती है वनीला फ्लेवर की होती है आइसक्रीम ना, तो ये वनीला फ्लेवर इसी से आपका बनता है। ये देखिए ये आपको दिख रहा है ये इसी में वनीला फ्लेवर से यूज होता है ये फ्लावर से इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया हैना, ये है क्या, ये देखिए जो दिख रहा है ये क्या है, हैना इज पॉपुलर श्रब या श्रब मीन्स क्या होता है, झाड़ी होता है। इट लीव्स आर यूज टू ड्राई हेयर स्किन, जैसे इसकी जो लीव्स यानी पत्तियाँ जो होती है तो ड्राई हेयर स्किन हेयर में यानी स्किन में एंड वूल इन कोहनी वो मैन अप्लाईज पेट्स एंड और हैंड। तो जो ये क्या होता है लेडीज़ जो होती हैं तो ये क्या होता है शादी वादी में या फिर फेस्टिवल के त्यौहार में इसको अपनी स्किन पे यूज़ करती हैं, ये इसके काम आता है। एंड से थर्ड यानी फोर्थ नंबर है स्वीट वॉयलेट इज ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ फॉर्म ऑफ सिरप, इट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड फ्लू कफ। जैसे मान लीजिए कभी किसी को ठंडी लग गई, कोल्ड यानी कफ ऑफ हो गया गले में, फ्लू यानी बुखार उखार कुछ भी है यानी बॉडी पेन में यानी दर्द वर्द हो रहा है, हेडेक यानी सर दर्द में हो रहा है, तो ये उसमें काम आता है, इसकी जड़ी बूटी यानी इसकी दवाई बनती है।
फिर उसके बाद है गार्लिक। गार्लिक मीन्स क्या होता है, लहसुन होता है, आप सभी जानते हैं। गार्लिक चीज वर्क इन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ये क्या होता है कि अपने शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ाता है। इट्स लीव्स रिलीफ फॉर इच वेन एंड रब्ड और बग बाइट्स, यानी जो होता है क्या होता है, इंसान के शरीर की एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प करता है। देन फिर नेक्स्ट देखेंगे, तीन चोना दिया हुआ है, तो ये किन कौन चोना क्या होता है। प्लांट इज यूज्ड मैन्युफैक्चर क्विनाइन यूज्ड एट क्योर ऑफ मलेरिया एंड इन्फ्लेमेटरी डिसेस, मलेरिया वलेरिया जैसे होता है तो ये उन सब चीज़ों में दवाई वबाई की यूज़, दवाई की यूज़ में ये आता है, ठीक है। फिर आते हैं अर्थक्वेक सेफ्टी रूल, यानी जब भूकंप आता है तो उसके लिए क्या क्या सुरक्षा हमें अपनानी चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट में। देखिए इसमें क्या क्या सुरक्षा दिया गया है, हम आपको बताते हैं। तो भूकंप जो होता है, तो भूकंप का रूल जो होता है, तो भूकंप जब आता है तो हम लोग बहुत डर महसूस करते हैं, यानी अजीब सा लगता है कि क्या हो जाए क्या हो जाएगा। तो जब आप एक तेज़ गति महसूस करते हैं तो देखिए नीचे जो सुरक्षा ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए बच्चे टेबल पकड़े हैं, ये देखिए यहाँ टेबल पकड़ के रखे हैं, नीचे टेबलों के नीचे ज़मीन पर बैठे हैं, तो देखिए इनके सुरक्षा की ओर से हम बढ़ते हैं। तो यदि आप इनडोर हैं यानी घर के अंदर हैं तो सबसे अच्छा स्थान इनडोर और प्रेफर्ड आउटडोर होगा, आपका सबसे सुरक्षित स्थान बाहर होगा। आइए जानते हैं कि भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए। तो अगर आप अंदर हैं तो अंदर रहें, ड्रॉप कवर और होल्ड करें। जब आप पहली बार कंपकपी महसूस करते हैं तो एक मेज के ऊपर अन्य भारी वस्तुओं के नीचे आ जाओ और एक पैर पकड़कर या कॉम्रेड में या एक संरचनात्मक द्वार के नीचे खड़े होकर अपना सिर और अपनी बाहों के साथ नया कवर करें। और अगर बिस्तर पर हैं तो सुरक्षा के लिए अपना सिर पर अपने तकिया या कंबल खींचें। आप बिना किसी संरचनात्मक दरवाजे या बाहर तालिकाओं के शौकीन हैं तो खिड़कियों से दूर चले जाते हैं और बाहरी दीवार के नीचे झुकते हैं और अपने सिर और गर्दन को ढकने के लिए अपनी भुजाओं का उपयोग करते हैं। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में अगर आप हैं, अगर आप भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में हैं तो वहाँ आपको क्या करना है, आप यानी भीड़ भाड़ क्षेत्र में अगर आपको ये लगता है कहीं भी कोई चीज़ गिरने वाली है तो आप उन सब चीज़ों से दूर जाकर एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी सीट पर रहें और सीट के पीछे का स्तर से नीचे उतरें और अपने सिर और गर्दन को अपनी बाहों से ढक लें। अगर बाहर हैं तो बाहर रहें, जितना संभव हो इमारतों से दूर हो जाएं और चोट से गिरने वाले कांच जैसे ईंट हो गया, साइनस को, इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, रोकना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना कि अगर आपको भूकंप का ये आशंका रहती कि भूकंप आने वाला है तो आपको क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम यूनिट वन यानी ओलंपियाड के आंसर शीट में। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर का ए लगेगा, सेकंड का बी लगेगा, थर्ड का ए लगेगा, फिर सी लगेगा। ये देखिए पूरा आपको पूरा इस तरीके टिक लगाया गया है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका यूनिट फर्स्ट कम्प्लीट होता है। ओके, थैंक यू।